हेलो बच्चों बच्चों, आज हम आपकी झरोखा बुक का पार्ट चार जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसकी नेक्स्ट वीडियो यानी उसके आगे का पार्ट देखते हैं। आप अपना पेज नंबर 30 निकालिए। ठीक है, ये रहा, देखिए आप पेज नंबर 30 निकालिए अपना। अब देखिए, पता करो और लिखो। पिछली वीडियो में हमने बच्चों हमारे जो मददगार हैं, कामगार हैं, उनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, उनके बारे में हमने किसके माध्यम से पढ़ा था, पहेली के माध्यम से। कौन कौन थे वो? डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, दर्जी थे, कुम्हार थे, कसीदेकार, साइकिल रिपेयर करने वाले, इंजीनियर, पायलट, इनके बारे में पढ़ा था। तो आगे पढ़ते हैं आज हम। पता करो और लिखो, तुम्हारे आसपास के लोग इन कामों के अलावा किन कामों से जुड़े हैं। तो आपके जो आसपास हैं बहुत सारे लोग होते हैं और वो अलग अलग कामों से जुड़े रहते हैं। जैसे लोहे का काम करते हैं कौन? लोहार। लकड़ी का काम कौन करते हैं? बढ़ई, है ना। जैसे लकड़ी की अलमारी बनाना, चारपाई बनाना, है ना, इस तरह से। आगे, और बाल किससे कटवाते हैं आप? नाई से। तो इनके बिना भी तो हमारा काम नहीं चलता, है ना। ये किसी ना किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। जूते अगर आपके फट जाते हैं तो किसके पास जाते हैं? मोची के पास जाते हैं। और हॉस्पिटल में चले गए हम, यदि वहाँ पे हमें एडमिट रहना पड़ गया तो वहाँ पे हमारी हेल्प, हमारी देखभाल कौन करता है? नर्स करती है, है ना। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और हमारी हेल्प यानी हमारी देखभाल कौन करती है? नर्स करती है, है ना। आपको पढ़ाता कौन है स्कूल में? कौन पढ़ाते हैं आपको? अध्यापक। ठीक है, अगर कोई आपके जैसे परिवार में या किसी के साथ कोई हादसा हो जाए, कोई केस वगैरह लड़ना पड़ जाए तो कौन हमारी मदद करेगा? वकील करेगा, है ना। किसी झगड़े के निपटारे के लिए केस कौन लड़ेगा कोर्ट में? वकील होता है, है ना। और जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो हमारे जो आस पड़ोस का जो एनवायरनमेंट है, समाज है हमारा, उसके लिए काम करते हैं, तो वो कौन होते हैं? समाज सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक। तो इस तरह से बच्चों ये सब जो हैं हमारी बहुत मदद करते हैं। ये अलग अलग तरह से किसी न किसी तरह से हमारे लिए मददगार है। ठीक है, देश की रक्षा मेरा काम। आगे देखते हैं, नरगिस आज बहुत खुश है, उसके पिताजी एक महीने की छुट्टी लेकर आ रहे हैं, वे भारतीय सेना में सूबेदार है। तो ध्यान से सुनना इसको, आगे इस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या है वो? भारतीय सेना में सूबेदार है। कौन? नरगिस के पापा। आजकल वे कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात है। कहाँ पे है वो? कश्मीर में। कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस पे तैनात है। वे बहुत बहादुर है। पिछले साल उन्होंने देश की सीमा में घुसपैठ कर रहे दो आतंकवादियों को मार गिराया था। ठीक है, इसके लिए उन्हें वीरता का मेडल भी मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि उन्होंने दो आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ करने के कारण मार दिया था। ठीक है, नरगिस के पिताजी की तरह अनेक सैनिक दिन रात दुश्मनों से हमारे देश की रक्षा करते हैं। नरगिस भी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना चाहती है। ठीक है, तो तुम्हारे माता पिता, अब बताइए, सोचें और लिखें, तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं? तो आपको सोचना है और लिखना है जो भी आपके पापा करते हैं या मम्मी करती हैं। जैसे मेरे पिताजी कुछ भी लिखेंगे, जैसे मैं लिखती हूँ, मेरे पिताजी सेना में है, और मेरी मम्मी या मेरी माता घर का काम करती है। तो इस तरह से जो भी आपका पापा, आपके पापा जो करते हैं वो लिखना है, मम्मी जो करती है वो लिख। क्या तुम्हारे परिवार या पड़ोस में कोई भी सेना में है? तो लिख सकते हो आप, हाँ जो भी है, मेरे ताऊ जी है या चाचा जी है, तो आप लिख सकते हैं, हाँ मेरे चाचा जी
सेना में है, क्योंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है परिवार में, है ना, चाचा ताऊ जो भी है। यदि हाँ तो उनसे मिलो और पता लगाओ कि वे सेना में क्या काम करते हैं। क्या करते हैं वो? वो तो आपको पता भी है, वो देश की रक्षा करते हैं। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा, बाढ़ है ना, भूकंप जैसी आपदाएं आ जाती है, तो वो मदद भी, लोगों की सेवा करते हैं। तो किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय देश के लोगों की रक्षा करते हैं, देश के सेवा करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। देश के लिए काम करके उन्हें कैसा महसूस होता है? उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है। ठीक है, तो क्या लिखे हैं, लिखेंगे हम देश की सेवा, देश के लिए, ऐसे बिल्कुल से ऐसे लिखेंगे, देश के लिए काम करके उन्हें गर्व महसूस होता है। ठीक है बच्चों, जो सैनिक होते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत बलिदान देते हैं। क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं वो? वो देश के लिए, अपनी जान भी दे देते हैं, सब कुछ अपना कुर्बान कर देते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। तो वो हमारे लिए, उनके हमेशा हमें क्या करनी चाहिए? रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो बहुत ही साहसी होते हैं, चाहे कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसा भी मौसम हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, वो कभी नहीं रुकते। ठीक है, वो हर तरह से, हर परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगला पेज निकालिए, 32 नंबर। ट्रक मेरा चलता जाए, ट्रक मेरा चलता जाए। देखिए अब, पानीपत, करनाल, पानीपत, सोनीपत, ठीक है, इस तरह से ये कहाँ कहाँ पे जाता है। महक के पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं। ठीक है, तो ये भी इनका काम है, कोई कुछ काम करते हैं, कोई कुछ काम करते हैं। ठीक है, सभी का कुछ ना कुछ काम, कोई भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करता है। तो महक के पिताजी क्या है? ड्राइवर है। उन्हें इस काम के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वे ट्रक से एक शहर से दूसरे शहर में सामान पहुंचाते हैं। आजकल वे कोयला लाने बिहार गए हुए हैं। कहाँ पे गए हुए हैं? बिहार। यह कोयला हमारे राज्य पानीपत, राज्य के पानीपत थर्मल पावर प्लांट में पहुंचाना है। ठीक है, वो कहाँ पे गए हैं? बिहार गए थे। किस लिए? कोयला लाने। और ये कोयला कहाँ पे यूज होगा, कहाँ पे पहुंचाना है उसे? पानीपत थर्मल पावर प्लांट में। यहाँ कोयले से बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, तो आपको ये भी पता हो गया कि कोयले से क्या क्या काम होते हैं। कोयले से बिजली भी पैदा की जाती है। समय समय पर सामान पहुंचाने के लिए कभी कभी उन्हें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है। ठीक है, तो पता करो और लिखो, क्या तुम्हारे पास पड़ोस में कोई ड्राइवर है? तो लिख सकते हैं हम किसी का भी नाम, जैसे मैं लिखती हूँ, हाँ मेरे पड़ोस में रहने वाला जोध सिंह ड्राइवर है, एक ड्राइवर है। इस तरह से लिख सकते हैं। वह कौन सा वाहन चलाता है? तो क्या चलाते हैं वह? ट्रक चलाते हैं। ठीक है, लिखेंगे ट्रक चलाते हैं। क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? हाँ बिल्कुल होगा, तभी तो चलाते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ, बाहरी वाहनों को चलाने का लाइसेंस है, क्योंकि बाहरी वाहन चलाने के लिए अलग लाइसेंस होता है। ठीक है, और हल्के वाहन चलाने के लिए अलग। अगर हम लाइसेंस के बिना चलाएंगे तो क्या हो सकता है? चालान कट सकता है।
ठीक है, तो लाइसेंस के बिना हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, लाइसेंस का मतलब क्या होता है? परमिशन होती है हमें गाड़ी चलाने की। ठीक है, तो और लाइसेंस किसको मिलता है? जिसको गाड़ी चलानी आती है, जो ट्रैफिक रूल्स को का पालन करता है। ठीक है, और किसका बनता है ये? 18 साल के बच्चों का। 18 साल का जो कंप्लीट कर लेता है अपनी आयु, उसका लाइसेंस बन जाएगा। वह प्राय किन जगहों पर जाता है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जोध सिंह के बारे में पूछा गया, वो कहाँ कहाँ पे जाता है, कहाँ कहाँ पे ट्रक चलाता है। तो जहाँ पे भी चलाता है, जैसे दिल्ली, जयपुर, मुंबई, आगरा आदि जो भी शहर है। शहरों में आता जाता है, तो इस तरह से आपको इसको फिल करना है। ठीक है, रास्ते में उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? रास्ते में उसे क्योंकि किन 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 रास्ते में उसे टूटी सड़क, है ना, टूटी सड़क तो कहीं भी मिल सकती है, टूटी फूटी सड़क, जैसे आपकी भी टूटी हुई थी, अभी नई बनी है ना, तो इस तरह से टूटी फूटी सड़कों, ट्रैफिक जाम आदि आदि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस तरह से लिख सकते हैं। आगे है, अपने परिवार उसे अपने परिवार से लगभग कितने समय दूर रहना पड़ता है? कई बार तो महीनों, के लिए, और कई बार कुछ दिनों के लिए। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों जो ड्राइविंग लाइसेंस है, यानी जो यातायात से संबंधित है, जो मतलब ये है ड्राइवर होते हैं, उनकी क्या होती है? सबसे पहले ट्रेनिंग होती है। ठीक है, क्या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हमारा लाइसेंस बनता है। क्यों बनता है लाइसेंस? यदि आपको गाड़ी चलानी आती है, आप ट्रैफिक रूल्स को समझ गए हो, तो फिर आपका क्या बन जाता है? लाइसेंस बन जाता है, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स को पालन करना बहुत ज़रूरी है। ट्रैफिक रूल्स पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? चालान, जुर्माना भुगतना पड़ेगा, और उससे किसी को नुकसान हो सकता है, अगर हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं के बारे में नहीं पता चला तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।